क्या अखिलेश ने किया मुसलमानों का राजनीतिक इस्तेमाल? क्या आजम को छोड़ देनी चाहिए अब सपा? क्या अखिलेश ने किया आजम से दगा? क्यों अखिलेश से नाराज हैं आजम के करीबी? क्या ओवैसी के हो जाएंगे आजम? तो क्या वाकई में आजम खान अपने साथ हुई बदसलूकी का बदला अखिलेश से लेने जा रहे हैं? खबरें तो ये तक हैं कि आजम बेहद ही ज्यादा अखिलेश यादव से नाराज हैं, और उनकी नाराजगी के किस्से उनके करीबी बकायदा सपा के मंच से ही गुनगुना रहे हैं। अखिलेश को एहसान फरामोश तक ठहरा रहे हैं। जिस शख्स को आप सुनने जा रहे हैं, ये शख्स आजम खान की परछाई माना जाता है। बस इतना समझिए कि ये शख्स आजम खान का कंठ है। कंठ समझते हैं ना? ये कैसे सपा के अध्यक्ष को सपा के मन से ही कोसता है, अब जरा वो भी सुनिए। जनाब का नाम है फसाहत अली। जनाब सीतापुर जेल में बंद आजम खान के करीबी, बेहद करीबी और उनके मीडिया सलाहकार हैं। अली ने अखिलेश यादव पर आरोप लगाया है कि उन्होंने आजम खान के लिए ना तो संसद में ना ही विधानसभा में आवाज उठाई। साफ है आजम के करीबियों ने अखिलेश से जो नाराजगी दिखाई है, उसने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सियासी भवंडर ला दिया है। और इस सबके बीच सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होने लगा है कि क्या आजम खान भी अखिलेश से दूरी बना लेंगे, और क्या अखिलेश यादव से आजम खान खुश नहीं है, और अगर खुश नहीं है तो आगे आजम का प्लान क्या होगा। सूत्र तो ये तक बता रहे हैं कि आजम के परिवार की ओवैसी की पार्टी यानी कि एआईएम से बात लगभग पक्की हो गई है। आप दुआ करिए कि रामपुर के एमपी आजम खान को अल्लाह रिहा करवा दे, उनकी मुश्किलों में आसानी पैदा हो। आजम के करीबियों की तरफ से ही नहीं बल्कि बगावत के सुर अब आजम के परिवार की तरफ से भी उठने लगे हैं। आजम के बेटे का ट्वीट देखिए, संदेश साफ है कि सपा ने मुसलमानों के वोट का इस्तेमाल किया, मगर सिर्फ राजनीतिक इस्तेमाल किया, ये एक बड़ा सवाल है। इतना ही नहीं, सपा के सबसे अनुभवी मुस्लिम चेहरों में से एक सांसद बर्क भी सपा अध्यक्ष को लेकर मुसलमानों के प्रति भेदभाव का इजहार कर रहे हैं। मतलब उनके कार्य संतुष्ट नहीं है, आपके मुसलमानों के हित में काम कर रहे हैं वो? नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, पूरी ये समाजवादी काम नहीं कर रही मुसलमानों के लिए। ऐसे में हर कोई ये जानने के लिए बेताब है कि कहीं आजम समाजवादी का साथ छोड़ने वाले हैं, और अगर ऐसा है तो आजम का अगला कदम क्या वाकई ओवैसी की चौखट पर जाकर खत्म होता है? क्योंकि जितनी जरूरत ओवैसी की आजम खान को है, उतनी ही जरूरत आजम खान को ओवैसी की है। चुनाव से पहले जब ओवैसी यूपी के दौरे पर थे, तब उन्होंने आजम को अपना हमदर्द साबित करने की कोशिश भी की। वैसे जेल से ही आजम खान ने 2022 के चुनाव में बड़ी भूमिका निभाई। अगर आने वाले दिनों में आजम कहीं और जाते हैं तो अखिलेश यादव के लिए ये बहुत बड़ा झटका होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।